आप जो ये देख रहे हैं मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है, मैं ग्राम उजवानी में खड़ा हूँ जो कि ठिकरी तहसील के बड़वानी ज़िले में आता है, और इस गांव में पानी की भयंकर किल्लतें होती है। अभी तो ये मार्च का महीना चल रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे अप्रैल से ही पानी की भयंकर समस्या होती है, और कुएं में कितना गंदा पानी है, और ये गाँव से दूर ही पड़ता है और एकमात्र एक निजी कुआ है, और इतना गंदा पानी पीने को ग्राम उजवानी के लोग मजबूर है, अपना स्वास्थ्य खराब करने को, अपने बच्चों का जीवन भविष्य खराब करने को, क्योंकि यहाँ पे पानी की भयंकर किल्लतें हैं और सरकार इस चीज में कोई ध्यान नहीं देती है। यहाँ की जो हमारा यहाँ पानी की बहुत समस्या है, हमारे यहाँ पीने को पानी भी नहीं मिलता, इसकी कोई भी कार्रवाई करे। पिता अभी एक किसी भी कुएं पे जाके पानी लाना, तो कुआ है फिर पानी की क्या समस्या है? ये सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट है। तो प्राइवेट में पानी रहता है भरपूर? नहीं, अभी थोड़ा है, फिर खत्म होने वाला है। हाँ, उजावनी गांव निवासी है और यहाँ बहुत खराब पानी छे, और सरपंच और सचिव का कहने का बाद भी यहाँ पर बार बार उनके कहीं फिर भी यहाँ व्यवस्था नहीं लगे रहा, और यहाँ पर गर्मी में पानी खत्म हो जाए और सूखी जाए और पानी की बहुत समस्या पड़े। ये मेरा भी पैतृक गांव है और मुझे लगता है कि ये मेरी खुद की समस्या है, क्योंकि ये मेरे घर में भी पानी जाता है, मेरे माता पिता भी पीते हैं, मेरे गांव के लोग बच्चे बूढ़े सभी यहां से पानी पीते हैं, और ये गांव की गांव के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ है, और ये इसको सरकार ने भी ध्यान रखना चाहिए और इस समस्या का तुरंत हल करना चाहिए, क्योंकि अप्रैल आते आते अगर यहाँ पे पानी की समस्या का हल अगर सुधरा नहीं है तो ये गाँव के लिए विकट संकट आने वाला है, क्योंकि गांव में 500 आबादी पे एकमात्र हैंडपंप है और वो भी अप्रैल के एंड महीने तक वो खत्म हो जाता है। अभी दो चार दिन में हैंडपंप बंद होने वाला है और एकमात्र ये निजी कुआ सहारा है जो कि किसान अपने खेत में भी पानी देता है, और ये कब तक चलेगा, क्योंकि ये जो कुआ है ये भी पूरी तरह से सक्षम नहीं है। मैं राकेश खन्ना बड़वानी मध्य प्रदेश से उजवनी ग्राम से लाइव इंडिया अनहर्ड।